गाइस, ये वीडियो है मसल मास गेन नहीं हो रहा है, आपका मसल्स का साइज नहीं बढ़ रहा है। क्या हैवी वेट लगाने से आपका साइज बढ़ जाएगा? क्या आप हैवी वेट कर रहे हो तब भी आपका साइज नहीं बढ़ रहा है? तो गाइस, 3 से 4 टिप्स दूंगा आपको मसल्स मास को ग्रोथ करने के लिए। ये मसल मास आपका हंडा का बढ़ जाएगा अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो। अगर वीडियो को स्किप नहीं किया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मसल मास ग्रो कैसे होता है और कैसे आप जल्दी से जल्द अपना मसल मास ग्रो कर सकते हो। गलतियां करते रहोगे तो गाइस आप 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे के ऐसे ही आपका साइज रहेगा, आपका साइज ग्रो नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा, 3 से 4 टिप्स आपको दूंगा, 100% आपका मसल का साइज 2 से 3 महीने में ग्रो हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मेरा नाम है सुहेल और आप देख रहे हैं सुहेल फिटनेस मोटिवेशन। सो गाइज, फिटनेस रिलेटेड वीडियोज आपको बनाते रहता हूँ। ये वीडियो है स्पेशली मसल मास गेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट यही है कि आपका साइज ग्रो नहीं हो रहा है, आपको 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, साइज रुक गया है। तो गाइज, क्या हैवी वेट लगाने से मसल मास ग्रोथ हो जाती है? तो गाइज, मैं आपको साइड में एक वीडियो दिखाता हूँ, जो ये वीडियो चल रहा है, क्या इस तरीके से आप हैवी वेट लगाते हो? तो गाइज, अगर इस तरीके से आप हैवी वेट लगाओगे तो आपका मसल मास तो छोड़िए, आपको इंजरी हो सकती है और बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। सीरियस इंजरी हुई तो आप 1 साल 2 साल तक जिम नहीं जा पाएंगे, हो सकता है कि जिंदगी भर तक आप जिम नहीं कर पाए, क्योंकि अगर लोअर बैक में आपकी L4 L5 डिस्क जो होती है, आपकी लोअर बैक जो होती है, उसमें अगर इंजरी हो जाती है ऐसे इस तरीके से वर्कआउट करते हुए जो भाई कर रहा है, मसल मास छोड़िए, आपकी लाइफ भी खराब हो सकती है। तो गाइस, ये वीडियो स्पेशल इसीलिए है कि क्या हैवी वेट लगाने से मसल मास गेन होता है, क्या आपको करना चाहिए, क्या मैंने किया है, क्या गलतियां मैंने की थी जो आप नहीं करोगे तो जल्दी ग्रो कर जाओगे। तो गाइस, इस वीडियो में यही आपको सिखाने वाला हूं। नंबर 1, गाइज, हैवी वेट सही बात है कि हैवी वेट लगाने से आपका मसल ग्रोथ होता है। क्या कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। गाइज, जब एक कल के लिए अगर आप 10 किलो का डंबल यूज़ करते हो और आप 2-4 महीने से 2-3 महीने से अगर वही डंबल 10 का करते रहोगे, 10 kg के वेट से आप वही बाइसेप की एक्सरसाइज करते रहोगे, तो गाइज आपकी बॉडी ने वो वेट अडेप्ट कर लिया है, यानी आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है उस वेट के लिए, तो आप वो ग्रो नहीं करेगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 20 kg के डंबल से एक्सरसाइज करने, 10 से 12.5, 12.5 से 15, इस तरीके से अगर आप ग्रेजुअली वेट बढ़ाएंगे, और रेपिटेशन क्वेश्चन भी आपको इस बारे में बताऊंगा कि आपको कैसे करना है, कितने सेट करने हैं, तभी आपका मसल ग्रोथ होगा। अगर वीडियो यहां तक आप आ गए हो बिना स्किप किए तो मैं बताने वाला हूं। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 10 किलो के डंबल से आपकी हैबिट हो गई, आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है, तो 12.5 का बढ़ाना है, पर 20 नहीं करना है। जिस तरीके से वो भाई आपको मैंने वीडियो में दिखाया कि वो बहुत हैवी वर्कआउट कर रहा है, उसकी पूरी लोअर बैक इंगेज हो रही है, पूरी अपर बॉडी पूरी स्विंग हो रही है, पूरा मूव कर रहा है, और उसके शोल्डर, उसके फोरआर्म्स और जो एक्सरसाइज है बाइसेप्स की, उस पे जाके कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो गाइस, सबसे बड़ी गलती जो है कि आप कॉन्ट्रैक्शन नहीं करते हो। मसल एंड माइंड कनेक्शन जब तक नहीं बनेगा आपका, तो आपका मसल ग्रोथ होने में बहुत दिक्कत होगी, यानी आप जब मसल्स को हिट ही नहीं कर पा रहे तो वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। जब रिकवरी करते हैं, डाइट लेते हैं, रिकवरी के टाइम पे ग्रोथ होता है, तो जब ब्रेक डाउन अच्छे से नहीं हुई तो ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। तो गाइस, सबसे पहले आपको यही करना है। नंबर 1 टिप्स आपके लिए, हैवी वेट लगाएं, पर वो हैवी वेट लगाएं जिससे कि आपके 6 से 8 रेपिटेशन आ जाएं, मिनिमम 6 रेपिटेशन, जो लास्ट वाला आपका सेट होता है ना जो हैवी करते हैं। अभी सेट के बारे में बता देता हूँ। तो गाइज, अगर आपको 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2-3 साल हो गए, अगर अभी भी आप 15-12-10 रेपिटेशन कर रहे हो, तो भाई लोगों, आपका मसल ग्रोथ नहीं होगा, मसल्स का साइज नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है उस रेपिटेशन की, उस वेट की। अब आपको इंक्रीज करना पड़ेगा अपने सेट, 4 सेट आपको करने हैं। गाइज, जो मैं शेड्यूल आपको दे रहा हूँ 2 से 3 महीने, उसके बाद आपको क्या चेंज करना है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। आपको बॉडी को यूज टू नहीं कराना है कि बॉडी एक फॉर्मेट में रहेगी, एक जोन में रहेगी तो बॉडी यूज टू हो जाती है, तो उसको चेंज करना है 3 महीने के बाद। तो गाइज, 3 महीने तक आपको 4 सेट करने हैं। पहला सेट 16, सेकेंड 14, थर्ड 12 एंड लास्ट 1 10, 8 से 10 रेपिटेशन। लास्ट वाले आप उस वेट को चूज करें कि जो 8 से 10, यानी अगर 8 आ रहे
रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना 10 ही लगाएं लास्ट वाले में, हैवी पे फोकस नहीं करना है। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आगे जो आपको हैवी करना है वो कैसे करेंगे। सो गाइज, अब आपको दूसरी टिप्स मैं आपको बता देता हूं। गाइज, आप शेड्यूल जो करते आ रहे हो, जो वर्कआउट करते आ रहे हो लॉन्ग टाइम से, वो सेम ही वर्कआउट चल रहा है, वही बैक का डे है, वही चेस्ट डे है, फिर बैक डे है, शोल्डर। तो गाइज, उस शेड्यूल को आपको स्विच करना है, आपको सेम पुश पुल करना है, पर आपको पुश आप पहले करेंगे फिर पुल बाद में करेंगे। अगर ऐसा करते आ रहे थे तो पुल पहले करेंगे, पुल आप समझ रहे हो ना, जो खींचने वाली एक्सरसाइज होती है, बैक की एक्सरसाइज पुल बोलते हैं, जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ, पुल एक्सरसाइज और पुश एक्सरसाइज, जो आप पुश करते हो, जो चेस्ट की एक्सरसाइज होती है, शोल्डर की एक्सरसाइज होती है, पुल होती है बाइसेप, बैक। तो गाइज, उनको स्विच करना है, तो 3 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है फिर से रेपिटेशन चेंज करने हैं। 4 सेट रहेंगे आपके, प्रॉपर 4 सेट रहेंगे जैसे मैंने आपको बोला है, बट अब गाइज आपके रेपिटेशन चेंज हो जाएंगे। आप करोगे आप हाइपरट्रॉफी 12-6, 6 से 12 रेपिटेशन के बीच में आपको 4 सेट करने हैं। पहला 12, 10, 8, 6, 4 सेट रहेंगे, पर रेपिटेशन आपके जब चेंज हुए हैं, रेपिटेशन कम हुए हैं, तो आप वेट बढ़ाओगे, अब आपके रेपिटेशन कम हो गए हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट के जो 6 रेपिटेशन आपको बताए हैं, आप उसमें हैवी कर सकते हैं, पर इतना हैवी होना चाहिए गाइज आप वो 6 रेपिटेशन लगा पाए कम से कम। तो गाइज, ये वीडियो इसलिए बनाई है कि लोग हैवी वर्कआउट करते हैं जो उनके औकात से बाहर होता है। तो गाइज, ऐसा नहीं करना है, अपने लिमिट में, आपका जो वेट है, आपका क्या वेट है, आप कितना उठा सकते हैं, 6 रेपिटेशन आपको मैंने बता दिए हैं। इस तरीके से आप माइंड एंड मसल कनेक्शन बना के अपने जो पार्ट को हिट करें और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। कैसा लगा वीडियो, भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज।